हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। और इस बार फिर से हम लोग खेल रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 22। लेट्स गो। तो देखो यार, पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, हमने हमारा इस चिरकुट से फार्म को कंप्लीट किया था। अब इस जगह ना इस फार्म को हटा दूंगा यार मैं। इस जगह अपन या तो घास ही बो देंगे दोबारा से, या फिर कुछ ना कुछ इस लैंड को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, या फिर जो भी करेंगे। फिलहाल इस फार्म में अपन कुछ नहीं करने वाले। वो जो सामने फार्म दिख रहा है ना, उस फार्म के अंदर थी ओट। हमने उस पिछली वाली वीडियो के अंदर एक फार्म खरीदा था जिसके अंदर ओट मिली थी हमको। तो यस, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने उसमें से ओट निकाल के यहाँ पे ले आए थे हम। ये देखो, ये तो सारे गेहूं खाली कर रखे यहाँ पे। तो ये इधर और इधर, इसको खोलो बे। वेट यार, कैसे खोलेंगे इसको। ऑल राइट, तो ये देखो भाई, एक ट्रेलर पूरा भरा हुआ काई का है। ये है ओट जो कि बिल्कुल गेहूं जैसे दिख रहे। तो ये किया था हमने उस फार्म के अंदर से। वैसे हमारा प्लान था कि उस फार्म के अंदर कॉटन, हम लोग कॉटन की फार्मिंग करेंगे। बिकॉज कॉटन के अंदर बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे दिखाओ ना, कहाँ से देखेंगे बे, यहाँ से बहुत सारी फसलें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। लेकिन जो कॉटन है, ओके, ये देखा कॉटन, इसके जो रेट रहते ना वो ऑलमोस्ट हर टाइम हाई रहते। तो मतलब ये देखो अभी 4000, बताओ सबसे ज्यादा महंगी यही बिक रही है। ये घास कहाँ कहाँ से, यहाँ तो नीचे तो कॉन्क्रीट हो रखी है पूरी। पिछली वाली वीडियो में काफी सारी चीजें हमने आधी अधूरी छोड़ दी थी, लाइक फार्म रेडी कर दिया था, उसमें से ओट वगैरह निकाल के रेडी कर दिया था उसको। लेकिन उसके अंदर कॉटन की फार्मिंग, कॉटन की सीडिंग करी नहीं थी अपनों ने। वो इसलिए नहीं करा था क्योंकि उसके अंदर ना अपने को कल्टीवेटर की जरूरत थी। और सबसे पहले तो मैं शॉप खोलता हूँ एंड बहुत सारी चीजें जो मैंने रेंट पे ले रखी है, ठीक है। ये देखो लीज पे मैंने कितनी सारी चीजें ले रखी है। ये हार्वेस्टर, इस हार्वेस्टर का कोई भी रोल नहीं है अभी, तो मैं सोच रहा हूँ इस हार्वेस्टर को रिटर्न कर देते अपन। मतलब बेमतलब पैसे कटते जाएंगे। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपन ने बहुत सारे पैसे वैसे भी उड़ा दिए, तो अभी अपन थोड़ा सा ना वो करेंगे, लाइक क्या बोलते हैं, यानी लकड़ी वगैरह यहाँ पे क्यों डाल रखी यार। ये लकड़ी मैंने फर्स्ट डे पे काटी थी, यहाँ से पेड़ वेड़ काटे थे ना, उसके बाद में इनको मैंने हाथ भी नहीं लगाया। इनको अपन चाहे तो बेच के आ सकते, तो बेच देंगे, वैसे देखेंगे आज जो इनको भी बेच देंगे। तो ये जो बड़ा वाला तबेला था ना, इसके अंदर भी अपने को देखना पड़ेगा। आज अपन इसकी प्रोग्रेस देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि देखो इसके अंदर अपने 15 एनिमल्स को लोड करवाया था, यानी कि 15 गाय भैंस डाली थी इसके अंदर। लेकिन वो बड़ी भी नहीं है, उनकी हेल्थ भी जीरो ही है, और मिल्क अभी बिल्कुल भी कुछ भी रेडी नहीं हुआ यहाँ से। मतलब क्योंकि अपनों ने डायरेक्ट बंद ही कर दिया था ना, उसके बाद में गेम तो खेले नहीं थे अपन उसके बाद में। और ये यहाँ से चारा खा रहे, ओके। तो ये देखो भाई, ये रेलिंग बनी हुई है, पूरी रेल बनी हुई है यहाँ पे। इसके अंदर ना इनका खाना पानी डाला हुआ है, खाना इधर डाला हुआ है एंड पानी यहाँ पे डाला हुआ है। ऑलराइट, तभी मैं सोचूं, अरे ना रे, ये देखो ये तो सीमेंट ही छाटी जा रही है भाई कब से। तो छोड़ो यार, इनकी जो मर्जी, इनको वो करने देते। फिलहाल अपन चलते अपनी शॉप पर। और शॉप पे कैसे जाएंगे भाई, अपनी गाड़ी यहीं पे पड़ी हुई, ठीक है। तो इस कार को लेकर चलते शॉप पे। और उससे पहले मैं सोच रहा हूँ ये सारी चीजें ना ये बेच के आ जाते पहले। ये देखो इतने सारे ओट, तो मेरे हिसाब से अपने को ये जो जमीन पे जितने भी गेहूं पड़े हुए ना, इसको पहले तो नीचे करके ना बहुत अच्छे से लोड करवाना पड़ेगा। एंड इसकी मदद से ना इसको फील कर देते, इनको एक बार ना बेच के आ जाते, देखे तो सही कि इसमें कितना प्रॉफिट है। मतलब अभी अपन कॉटन की फार्मिंग करने वाले, लेकिन क्या कॉटन में ही अपने को बेनिफिट मिलेगा, या फिर ये जो कैनोला वगैरह, ओट वगैरह, गेहूं वगैरह, इनके अंदर ज्यादा बेनिफिट है। पहले सबसे पहले तो इस पूरे को लोड कराना पड़ेगा, और लोड होने में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये देखो ऐसे करके भरेंगे, वैसे बड़ा मजा, और ट्रैक्टर ही उड़ गया था पीछे से। तो हाँ, इसको भरने में बड़ा मजा आता है सच में। ऐसा कुछ नहीं क्या कि अपन इसको हाथ से भी भर सके, आई डोंट नो, ऐसे करके लोड करवाना पड़ेगा। ये देखना कितनी फास्ट स्पीड हो गई है, दो तीन अटेम्प्ट में। ये देखो यहाँ पे आके मस्त ऐसे लोड करवाएंगे एंड अरे ओ भाई गया, दो मिनट को गया। मस्त, ये देखो ऐसे करके भूल के भी नीचे खाली नहीं करूंगा अब मैं। पता कितना टाइम लग रहा है इसके अंदर मालूम है क्या, बहुत टाइम। अबे यार, अरे यार इसके अंदर से ना ये जो नीचे पड़े हुए ना इस ट्रेलर के, ये नहीं निकल पा रहे। एक काम करता हूँ, डोली कहाँ पड़ी हुई है, डोली आई थिंक होनी तो। वेट, ये क्या कर रहा हूँ मैं, गाड़ी क्यों कर रहा हूँ, ट्रैक्टर लगा हुआ है ना इस पे। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं आगे की साइड में, थोड़े से और गेहूं बचे हुए, बस थोड़े से। वाह वाह, ये देखो शॉर्टकट देख रहे हो, इतना भी शॉर्टकट नहीं लेंगे यार अपने, रोड अपने लिए तो बना रखी है। बताओ ये बोर्ड इन्होंने लगाया क्यों, इनको पता है कि बेचारा ये भी ना लीज भी ले रखा है मैंने, वैसे देखा जाए तो। मत अटको रे, मत अटको यार, बीच बीच में आ जाते हैं लोग पता नहीं कहाँ से। चलो यार अपन चल रहे एकदम रोड सुपरमार्केट, अपना इतना बड़ा ट्रेलर बेचने, इतना बड़ा ट्रेलर। देखो यहाँ से मैंने, देखो बिल्कुल एज से ले रहा हूँ मैं अंदर, लेकिन फिर भी वो अटकेगा कहीं ना कहीं, मैं नहीं अटकने दूंगा उसको। देखना इतना प्यार से ले जाएंगे ना, इतना घुमा घुमा के एकदम प्रोफेशनल। मत अटकना यार, क्या प्रोफेशनल ड्राइवर। अरे वेट 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 वेट, आ गया था, आ गया था बेचने। ओके एंड लेट्स गो। अब देखो
यहाँ से फर्स्ट तो यहाँ से बिक जाएगा जो पहला अपना ओट का। ओके ठीक है, ओट का पूरा लोडेड था, ठीक है, गेहूं बहुत कम है, 37% है, लेकिन 100% ओट था। ओके एंड आया सिर्फ $15,800 बस। अच्छा इको ट्रेलर है ओट का, वेट, दो ट्रेलर भरे थे ना, तो इको ट्रेलर है। अब इसको किस तरीके से लगाएंगे यार, ये तो जाएगा ही नहीं वहां तक। अबे यार एक तो पीछे इतना बड़ा ट्रेलर लगा होता है ना, फिर ना दिमाग खराब होता है, अब कैसे ले जाओ इसको बताओ। और पीछे तो दोनों के अंदर है, तो सिर्फ पीछे का कैसे आएगा इसके ऊपर, यही आने को रेडी नहीं हो रहा है, कहीं से जाने का नाम नहीं ले रहा है तो। और मैं पूरा अगर ट्रैक्टर इधर लिया था तो वो ट्रेलर उस पर नहीं आएगा, आप बताओ। ओ वाह वाह वाह, हो रहा है हो रहा है, ये देखो इस तरीके से ले जाएंगे ना अपन, अपन शायद प्रोफेशनली लगा पाए उसको। अरे वाह यार देखो कितना परफेक्टली जा रहा है, बट ओ चला गया सही में। बट वेट, मेरे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा ऑप्शन, कौन सा ढक्कन खुल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। छोड़ो यार यहाँ पे कोई नहीं होने वाला है, मुझे पता है यहाँ पे नहीं होगा है। देखो पूरा सटीक चिपका के ले रहा हूँ मैं, बस ट्रेलर ना अटके यार कहीं पे भी, प्लीज मत अटकना मत। ओके और क्या, अब ये वाला कार वाला अटकाएगा, क्या लोगे सही में। अरे वेट What the shit? अच्छा बे, अरे ये फसल है कुछ ना कुछ, क्या है ये, केनोला है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं शायद किसी कीचड़ वाले खेत में आ चुका हूँ, ये देखो और पूरा ट्रैक्टर अब तक धस गया है कीचड़ वगैरह के अंदर, क्या अजीब हाल है। ओके ठीक है, फाइनली हम लोग आ चुके एक नई वाली मील पे, और आई होप, अरे अरे यार इस पे ऑप्शन नहीं आ रहा है बताओ। अरे वाह 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 वाह, एक आई, बेचो भाई। ओके क्या बिक रहे हैं, गेहूं बिक रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़े ही थे गेहूं अपने पास में, लेकिन फिर भी $8,000 वाया। बट मैंने जो दो ट्रेलर भरे हुए हैं ना पूरे पूरे, ये कैसे बेचे हैं, मैं क्यों आया यार इनको बेचने, सही में मैं कभी भी लंबा वाला ट्रेलर नहीं खरीदूंगा, कभी भी नहीं खरीदूंगा भाई। ओ शिट वेट, टिप चेंज करनी पड़ती, ओके अभी अब पीछे वाला अनलोड हो गया ना, अब इसकी टिप बदलते हैं, और ये टिप बदली एंड ये लोड करवाओ भाई। चलो भाई अब ये वाला खुल जाएगा, इसके भी 8,000 एंड टोटल अपन ना यहाँ से देख लेते हैं जो अपने सारे पैसे वैसे आते हैं ना, $64,000 बस। कॉटन की फार्मिंग करने के लिए ना कुछ चीजें खरीदनी पड़ेगी, जैसे सबसे पहले तो अपने को कल्टीवेटर खरीदना पड़ेगा, अपना जो फार्म है ना उसको नई फसल के लिए रेडी करना है। पहले तो ध्यान से सुनना, चर्च की घंटी है। ओके लेट्स गो टू द शॉप एंड ओके 60,000 वाला खरीद ले क्या, एंड में सोचा चलो छोड़ो यार खरीद लेते हैं ना, ज्यादा सोचते नहीं इस बारे में, इसको ना बाई करते सीधा, लीज पे लेंगे ना बार बार। तो वैसे लीज वाला सौदा फायदे का सौदा था देखा जाए तो, क्योंकि ज्यादा पैसे कम ही पैसे कटते रहते हैं, पर आप लोगों को पता भी नहीं चलता कुछ 4-5-6 दिनों में ना इतने पैसे कट जाते हैं जितने पैसे अपने अपने खरीदा है इसको अभी। आंखें खुली हो या Not bad. अरे वाह भाई अब ना, अरे यार थोड़ा डायलॉग मारने वाला था मैं कि अब हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। तो चलो यार फिलहाल सबसे पहले तो इसके अंदर अपनों को इस तरीके से, ये देखो भाई पूरा मस्त हो रहा है ना, तो ऐसे करना है अपने को दरअसल। तो ये जितनी भी चीजें पड़ी हुई ना जैसे वीड वगैरह, ओ वीड अपन हटा सकते हैं ऐसे कल्टीवेट करके, देख रहे हो तो कितनी कितनी अच्छी रियलिस्टिक लगती है। ये देखो ये जो FPS है ना, FPP, तो ये जो FPP कैमरा है ना कितना सही है यार, देखो जरा। अरे मैं खुद नहीं करने वाला हूँ इसको, दे देते अपन। अरे इसका दिमाग खराब है बताओ, इसको फार्म डिटेक्ट नहीं हो रहा था। और ये देखो भाई पूरा कल्टीवेट हो चुका है ना। ओह वेट, इस फार्म के अंदर किसी चीज की जरूरत नहीं है फिलहाल, फर्टिलाइज 0% है, पहले फर्टिलाइज कर देते इसको। तो इस बार अपन ना फर्टिलाइज पहले करेंगे, मतलब फार्म को ना दो पार्टीशन में फर्टिलाइज करना पड़ता है, पहले और बाद में, क्योंकि एक बार फर्टिलाइज करने पे ना सिर्फ 50% ही होता है वो। तो अब अपने को कॉटन के लिए अलग से लेके आना पड़ेगा, और उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक बार घर चलते एंड फर्टिलाइजर लेके आते हैं। चलो ये वाला ट्रैक्टर ले लेते, ये ट्रैक्टर बड़ा नकली ट्रैक्टर है, एक काम करते यही ले लेते यार, नकली हुआ तो क्या हुआ। ओके इसको कनेक्ट करते इससे, और राइट, अरे 0% यार इसके अंदर कुछ फर्टिलाइजर ही नहीं है। ओके तो लिक्विड फर्टिलाइजर भी है और सॉलिड फर्टिलाइजर भी है, दोनों में क्या फर्क होता है वैसे। 3 बैग खरीद लेते हैं, ठीक है 3 बैग आई थिंक बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अब दिक्कत ये है कि इसको मैं उठा नहीं सकता हूँ डायरेक्ट, ये देखो बहुत भारी है ना। तो फिर एक काम करते गाड़ी के पास में लगाते, हो सकता है डायरेक्ट ये कार लोड करवा ले उन चीज फर्टिलाइजर को। अरे नहीं कर रही यार, 850 किलो, अरे मैं कभी नहीं उठा पाऊंगा इसको। और भाई ये जो सेल रही थी ना, ये सेल भी देखनी चाहिए अपने को टाइम टाइम पे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अधिकतर चीजें अपन यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ से ना ये देखो 63%, 60%, 40%, 57% इतना परसेंट में डिस्काउंट मिल जाता है ना, तो एकदम आधे रेट में चीजें मिल जाती है अपने को। एंड क्या खरीदो यार, कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक ये मशीन खरीद ही लेते हैं, ठीक है, या फिर लीज पे, चलो लीज पे ले लेते, लीज पे लेने के $2,900 लग रहे हैं, ठीक है भाई $57,000 के बजाय तो लीज पे लेना ठीक रहेगा। तो ठीक है इसको मैं सोच रहा था इसको खरीद ही लेंगे, बट चलो ठीक है इसको उठा सकता हूँ मैं, इसको भी नहीं उठा सकता हूँ बिकॉज ये 202 किलो का है। अरे
यार। ओके, तो चलो अपने पास में काफी सारी चीजें, इधर फर्टिलाइजर भी है, उधर सीड भी पड़े हुए, तो इन सारी चीजों को एक एक करके चढ़ाते हैं। आई थिंक पहले मेरे को ना गाड़ी के अंदर बैठ के इसका ये खोल देना चाहिए पीछे से। ओके, फिर से वो, ओके ठीक है हो जाएगा भाई। मैं सोचा था फिर से वो दिक्कत ना आ जाए। होता है क्या कि ये जो मशीन में चला रहा हूं ना, इसके जो आगे की ये है ना, जो भी बोल लो इसको, हुक बोल लो या फिर क्या बोलेंगे इसको, ये ना जमीन से टच नहीं होते, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है अपने को। यार फिलहाल एक तो आई थिंक रख दिया है अपने, नाइस। एंड एक और इधर से रखते हैं साइड में से। ओके, मतलब वो ना गिर जाए पीछे, ऐसा ना हो जाए कि इसके चक्कर में पीछे वाला गिर जाए। रख दो भाई, रख दो। इसको इसके ऊपर, वो गिर जाएगा यार। इस पर टिकाने का ट्राई करते हैं। एंड आई, ऑल राइट, नाइस, मस्त भाई। ओके, बेल्ट लगा दी मैंने, ऊपर वाले पे बेल्ट लगा नहीं है, बट आई होप वो ना गिरे। अब एक काम करते हैं कि यहाँ से साथ साथ में, इस कार तो ही है अपने पास में, तो साथ साथ ना एक चीज को खरीद के ले चलते हैं। कॉटन को अपन बोएंगे कैसे, तो उसके लिए अपने को ना अलग खरीदना पड़ेगा। देखो कौन सा होगा वो, क्योंकि ये जो अपने पास में सीडर है ना, अपने पास में फिलहाल ये वाला सीडर पड़ा हुआ है, नहीं कर सकता है। अपने को प्लांटर खरीदना पड़ेगा, एंड प्लांटर में अपन ये ले लेते लीज पे, ये $2,50,000 का भाई। तो इसको लीज पे लेंगे अपन तो $12,000, ठीक है भाई, दे दो कोई बात नहीं। ओके, आई होप ये कार आगे से, तो भाई नहीं, सुकून से अगर एक भी झटका लगाना, अरे वाह 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 वाह, नहीं, अरे यार, अरे अंधे, आई मीन अंधी, ये इतने बड़े बड़े बोर्ड नहीं दिख रहे। देखो चलो उतरो भाई, उतरो, तुम्हारा कोई रोल नहीं आबे। ओके, डन। अरे वाह 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 वाह, एंड फाइनली एक और झंडा गिरा दिया हमने नीचे। ओके, तो चलो ठीक है, ये 2,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। खैर जो भी है, इसके पीछे जो भी सीडर लगा हुआ ना, इसके अंदर वॉट क्या करूंगा, इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर लगता है बस खाली। चलो ठीक है, अपन जो सॉलिड फर्टिलाइजर खरीदा ना अपनों ने, उसको अपन उस फर्टिलाइजर छिड़कने की जो मशीन है अपने पास में, उसके अंदर डाल के उससे कर लेंगे अपन, ठीक है। और इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर अपने पास जो ऑलरेडी सीडर पड़ा हुआ ना, जिससे अपन अभी तक केनोला, वीट, ये सब बो रहे थे, उसका लिक्विड फर्टिलाइजर उसमें से निकाल के इसमें डलवा लेंगे, ठीक है। ऐसा करते थे, ऐसे काम हो जाएगा अपना, ठीक है। अरे वाह, हॉर्न भी इस पे, अच्छा हाँ, उसने तो उसका काम कर दिया ना, तो ये गाड़ी लेके चलते अपना जो लिक्विड फर्टिलाइजर छिड़कने की जो मशीन है वो लेके आते पहले। चलो, ये काफी अच्छी बात है भाई, इसके अंदर फर्टिलाइजर लोड हो रहा है, ऑल डन। एंड इसको भी ना मैं वर्कर को ही देने वाला हूँ, बस अपन इसको यहाँ पे सेट कर देते। अरे वाह 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 वाह, अब इधर देखो, यहाँ पे फर्टिलाइज 0% है, इधर हो चुका है 50%। अब अपन जैसे ही इसके अंदर फसल को बोएंगे ना, यानी जैसे कॉटन को बोएंगे इसकी मदद से, फिर हो जाएगा एकदम 100%। आई होप हो तो जाना चाहिए। देखना इनका फार्म बर्बाद करें। अब पीछे वाला टायर को देखो एक बार, अरे हवा निकल गई बेचारे टायर की, देखना बेचारों की ना फसल बर्बाद। वो देखो आगे का, अरे वो टायर घूम गया ना एक जगह, बेचारे का खेत बर्बाद हो गया देखो। और ऐसी अगर मैं फार्म के अंदर जाके करूँ ना, तो फार्म बर्बाद। वो स्नो कैसे गिर रही है, अच्छा फरवरी का महीना स्नो गिरती है कैसे दिन में, और कितना सही लग रहा है यार, पहली बार, मतलब जब से मैं खेल रहा हूँ ना, अरे नदी में गिरेगी क्या, जब से खेल रहा हूँ उस तब से पहली बार स्नो हो रही है इसके अंदर, पहली बार। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे, अंधेरा भी हो गया इतनी जल्दी, बताओ। और ये देखो जो लाइट चलाओ भाई, सबसे पहले तो लाइट ही नहीं चलती, बताओ। ये जो जगह जगह पे जो ब्लैक ब्लैक निशान आ रहे हैं ना, ये निशान दरअसल टायर के स्लिप होते हैं ना, ट्रैक्टर के टायर। स्नो गिर रही है, मेरे को ये देखना है कि स्नो इकट्ठा भी होती है ना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि इस गेम के अंदर जो स्नो होती है ना, उसके ढेर भी बन जाते हैं रियल लाइफ जैसे, मतलब बहुत ज्यादा स्नो गिरती रहती है ना, तो स्नो ही स्नो हो जाती है जमीन पे। छोड़ो, नहीं देखना हमें, सो भाई यहाँ पे सो जाओ। दिखाई दे रहा है एक तो अच्छे से यार, $12,000 कट गए फिर से व्हीकल लीजिंग कॉस्ट। तो चलो सबसे पहले तो सीड लोड करवा देते। कितना सीड है यहाँ पे, इतने में हो जाएगा क्या अपना पूरा फार्म कवर? फर्टिलाइजर काम कर जाना चाहिए। ये जो 50-50% वाली ट्रिक है ना, कि आधा एक बार फर्टिलाइज पहले कर देंगे सीडिंग करने से पहले, दूसरी बार फर्टिलाइज अपन सीडिंग होते होते करेंगे, और काम नहीं किया ना तो काम खराब हो जाएगा फिर अच्छे से। अब इसको दे देते वर्कर को। क्या हुआ, अच्छा गाड़ी आ रही है पीछे इसके, अरे इसको क्या हो गया? हेलो, अरे यार इन लोगों के बस का नहीं है रोग, हो रहा है, अरे वाह 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 वाह, हो रहा है। अब दे दो ड्राइवर को, अब ये वर्कर काम कर देगा। अब मेरे को देखना 50% ही तो है। अबे यार, फिर मैंने पहले फर्टिलाइज करके ऐसी गलती करी मैंने, पता है ये सारी चीजें करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि देखो यील्ड बोनस देखो वो सिर्फ 73% है। इसका मतलब अगर वो सोचो 73% में भी फार्मिंग तो होगी सही, इसमें कॉटन होगा ही सही, लेकिन सोचो वो 100% हो जाएगा ना, तो अपने को बोनस मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर, जस्ट इसलिए कर रहे हैं अपन, बाकी को दिक्कत थोड़ी ना आएगा। तो ये देखो ये मैं डाल रहा हूँ, एंड बस काफी 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 काफी, पर इतनी जगह में देखना है मेरे को कि क्या इस 60%, अरे नहीं यार वो पता नहीं यहाँ पे 60% थोड़ा ज्यादा डल गया होगा पहले ही, बड़े देखो 50% है ना, तो इसका मतलब ये चीज काम नहीं कर रही है। रुक, तेरी 12 बजे, 2 मिनट रुक। ये बंदा सीडिंग करने के इतने पैसे ले रहा है, देखो, अरे
होता है। हर दिन के $12,000 फ्री फंड में कट रहे। दरअसल हमको एक्चुअली, अरे ये क्या हो रहा है इन लोगों के साथ मेरे, खाना सब खाली कर दिया इन्होंने। बताओ पानी भी है थोड़ा बहुत, आधा पानी पी गए, खाना खा गए, ना तो इन्होंने मिल्क दिया, ना ही इनकी क्वांटिटी बढ़ी, हेल्थ भी अभी की अभी भी जीरो की जीरो आ रही है। क्यों, गलत बात है यार। चुप हो जा भाई, चुप हो जा थोड़ी देर। यार मैंने डाल रहा है इनके खाना वाना, कुछ भी दूध नहीं दिया इन्होंने, पता नहीं कितना सारा खाना खा गए मेरा पुराना। चलो यार इनके थोड़ा सा खाना ला के डाल देते हैं शॉप से खरीद के। क्या पैसे कट रहे यार, मैं तो पैसे कटते हुए देख के ना दिमाग खराब हो रहा है। कितना स्पीड से ले रहा है जबकि एक बंदा लगा हुआ है बस खाली। ऐसा भी नहीं कि 10-15 बंदों को, 10-15 वर्कर को लगा। मुझे लग रहा है जो तबेला खरीदा ना आपने, इतना बड़ा तबेला, उसमें कोई ना कोई दिक्कत है शायद से। ओ भाई ये गाड़ी क्या स्पीड से जा रही है यार, स्पीड देखो इस गाड़ी की, 100 पे चल रही है जबकि पीछे कितना टन, 45,000 लीटर तो स्ट्रो है इसके पीछे। बताओ बताओ बताओ, मत अटकना प्लीज प्लीज। ऑलराइट, अरे वाह, अरे वो वेट वेट, कहां पे अनलोड हो गया, अंदर आ गई सारी चीजें। अच्छा ऐसे अनलोड होती क्या सब चीजें, यहीं पे ड्रॉप कर दी इसने तो लगता है। ये क्या बात हुई, इन लोगों के बल्ब क्यों लगा रखा है ये, बाकी सब अंधेरे में जी रही है। देखो इन सबको देखो तुम, ये भी अंधेरे में, अंधेरे में सब अंधेरे में लाइट चलाओ बे, और बाहर बारिश हो रही है खतरनाक से। ये देखो बट जो भी है यहाँ पे ना, सबसे पहले तो मैं ना इस जगह पे सो रहा हूँ यार, ये जो घास वास मैंने बना रखी ना। वेल यार कट गए पैसे, इतने पैसे कट रहे ना, इतने पैसे सही बता रहा हूँ मैं। अरे यार डायरेक्ट शुरू हो गई क्या, अरे भाई ये अकेले खा जाएगी सारी। एक वादा, ओ शिट, फार्म के अंदर कितने स्टेजेस में ग्रो हो गई है, ये 2 स्टेजेस में ग्रो हो गई क्या, आई डोंट नो। लेकिन वेट, अगर मैं एक बार ट्रैक्टर चला के देखूं इसके अंदर, पर यार मुझे लग रहा है कि मैं अब इसके अंदर फर्टिलाइज इसको नहीं कर सकता हूं। मैं सोच रहा था कि फसल बड़ी होने के बाद फर्टिलाइज कर देंगे, बट देखो जैसे मैं इसमें चलाऊंगा ना, ये देखो ट्रैक्टर के चलाने से ये बर्बाद हो रही है, तो यस अपन ये चीज नहीं कर सकते। चलो खैर छोड़ो, जो भी है यहाँ पे वेट करते इसकी ग्रो होने का, एंड इतने काम करते जितने टाइम में ग्रो हो रही ना, मैं फटाफट शॉप पे चलता। एक हार्वेस्टर खरीदना पड़ेगा अपने को, देखो मैं बताता हूँ कौन सा वाला, क्योंकि अपनों ने कॉटन की अवर कर रहे हैं, कॉटन टेक्नोलॉजी। ये देखो 2 हार्वेस्टर यहाँ पे, और कॉटन की फसल जो है ना इसी से हार्वेस्ट हो सकती है। इसके अलावा अपने पास जो हार्वेस्टर पड़ा हुआ ना है या फिर बेच दिया है, तो उससे अपन नहीं कर सकते। ठीक है एक काम करते, इनमें से कौन सा खरीदे यार, खरीदना क्यों है पहली बात तो, खरीद नहीं रहे अपन। $24,000 भाई लोन लीज पे ले लेते हैं, पर डे के कटने वाले अब बहुत ज्यादा। एज यू कैन सी हमारा फार्म बड़ा हो चुका है मस्त, तो चलो इसको एक्टिवेट करते हैं। आई थिंक एक्टिवेट करने के लिए पूरा अनफोल्ड होगा, पहले तो बड़ा हार्वेस्टर है ना एकदम ह्यूज, थोड़ी सी अपन करते हैं। और देखो ये देखो कॉटन निकल रहा ना, ये देखो इस फसल के ऊपर देखो पूरे कॉटन ही कॉटन के आ रखे ना, ये सब हटे जा रहे हैं हार्वेस्टर की मदद से। एंड 0% वो 1% हुआ, चलो फाइनली जाके इसको दे देते अपन वर्कर को, तो ये चीज वर्कर करता रहेगा मस्त से। और अभी अपन कल्टीवेट वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, अभी अपना जो एम है ना वो बस इतना सा है कि ये पूरा फार्म हार्वेस्ट हो जाए अच्छी तरीके से, मतलब कॉटन जो है ना हार्वेस्ट हो जाए। और बारिश हो गई क्या, बताओ पानी भी आ गया। ब्रो मेरे पैसे देखो एक बार यार, आई नो मैंने जब स्टार्ट किया था ना तब अपने पास में $5,00,000 से लगा के $6,00,000 तक थे, मुझे जहां तक याद है। ऐसे पैसे बर्बाद कर रहे यार अपने, मुझे नहीं लगता अपन 1% भी बेनिफिट में चल रहे होंगे। अब तो कितने पैसे उड़ा दिए, $17,000 कट गए किस चीज के, व्हीकल लीजिंग कॉस्ट। तो चलो यार फाइनली बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद में हमारा पूरा फार्म हार्वेस्ट हो चुका, और ये हार्वेस्टर इतना धीरे चल रहा है ना, इसने खैर यहाँ पे काम रोक दिया बिकॉज इधर कुछ भी नहीं है। जिस स्पीड से इसने काम किया ना, मुझे लग रहा है कि इस स्पीड से अगर मैं केनोला बोता ना, तो मैं इस साइज के 5 फार्म छोड़ो, मैं सोच रहा हूँ 10 फार्म को, लगभग 10 फार्म को हार्वेस्ट कर देता इतने टाइम में। और क्या निकाला, बस ये एक बेल पूरे फार्म से, मतलब 100% तो यहाँ पे हो चुका था। कितने 4 टन की है भाई ये, 20,000 लीटर, यानी कि 4 टन की ये हो गई, 20,000 लीटर ही है ना, या फिर पता नहीं वो एल क्यों लिखा हुआ रहता, आई डोंट नो। लेकिन 4 टन इसका मास है थोड़ी बहुत, और हार्वेस्टर के अंदर भी है। अभी जस्ट मैं चाह रहा हूँ कि बस ये लोड हो जाए और अपन इसको बेच के आ जाए अच्छी तरीके से। अबे लोड हो जा, हेलो लोड क्यों नहीं हो रहा, ओ लोड हो गया, लोड हो गया, लोड हो गया 100%। अबे ऐसे कैसे 100%, अभी तो एक बेल और आएगी, इससे उतरते हैं, इसके अंदर बैठते हैं, एंड इसको अनलोड कैसे करेंगे अपन। तो कितना परसेंट, 54%, यानी कि टोटल 150% कॉटन हो चुका है अपने पास में। कितना टन का होगा वो तो देख लेंगे अपन, और बेच के देखते हैं कि पैसे कितने मिलते हैं। ये देखो भाई एक और बेल निकल गया ना, बारिश की चमचम से। कितना वेट है इसके पीछे सोचो, उसके बाद भी चल रही है 84-90 की स्पीड पे, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि यार क्या धीरे धीरे गाड़ी ले जा रही है। अरे रे 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 रे, अंकल जी 2 मिनट रुको यार, इतना जल्दी मत करो, हमारी गाड़ी फंसी हुई ना, दिख रही ना तुम्हें। अबे यार मैं फिर से सुपर मार्केट लिया है इसको, बताओ बस मेरे को ऐसे करना है। अरे वाह 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 वाह, बिक जाएगा ना ये, अरे बिक गया, अरे बिक गया $1,18,000। सीरियसली मतलब पूरे फार्म में अगर मैं इसके बजाय
केनोला बोता या फिर वीट बोता तो उससे इतना ज्यादा नहीं मिलता। वीट भी अपने बेची है ना स्टार्टिंग में, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन सही मिले यार। बट यार एक ही दिक्कत है कि पूरे फार्म को हार्वेस्ट करने में, क्योंकि हार्वेस्टर की कैपेसिटी बहुत कम है ना, मतलब कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्षमता समझ लो ना एक साथ हार्वेस्ट करने की, वो बहुत कम है यार। वो बहुत छोटा एरिया हार्वेस्ट करता ना, तो हार्वेस्ट करने में उसको बहुत टाइम लग जाते हैं। बाकी हेलो थी। तो चलो यार बस इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कर देना जो भी करना हो उसके ऊपर लाइक वगैरह, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो बाय।